हे एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का IF चॉइस में। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है, मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं कि आप कहीं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे। पहले मैं आपको कुछ दो तीन लाइनें बताना चाहूंगा जो मेरे सीनियर हैं, उनका नाम है रामशिव, हम उन्हें प्यार से रामू भैया बोलते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि उनके साथ क्या घटित हुआ। ये करीबन बात है 2014-2015 की, जो मुझे उनके तरफ से पता चला है। करीबन उन्होंने 2014 या 2015 में उन्होंने कई अटेम्प्ट किए। पहले फर्स्ट अटेम्प्ट किया, सेकंड में उनका कॉल नहीं आया, एंड उनका जो थर्ड अटेम्प्ट था वो ऐसे ही लगभग 2014 और 2015 में हुआ था, मुझे कन्फर्म नहीं है, कई दिनों से उनसे बात नहीं हो पा रही है मेरी। तो उन्होंने बताया कि उस समय जो इस बार ग्रुप डिस्कशन रखा गया है वो पहले ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ करता था। उस समय इंडिविजुअल सबका इंटरव्यू लिया जाया करता था। तो उन्होंने, मैंने जैसे बताया, पहली बार उन्होंने एग्ज़ाम निकाला, SRT में वो निकल गए थे, एंड उनका सेकंड बार कॉल नहीं आ पाया, एंड उनका जो लास्ट चांस था, जो तीसरा चांस उन्हें मिला था, ये ऐसा तीसरा चांस या चौथा चांस ऐसा कुछ नहीं था। पहले साल में एक बार फॉर्म निकलते थे, इंटर के बाद मिनिमम सबके पास मैक्सिमम 3 या 4 चांस ही मिल पाया करते थे डेट ऑफ बर्थ की वजह से। लेकिन अब तो चेंज हो गया है, करीबन साल में 2 बार होते हैं, इससे आपको 6 चांस भी मिल सकते हैं या उससे ज़्यादा भी, डेट ऑफ बर्थ पर निर्भर करता है। तो मैं बता रहा था कि जो मेरे राम भैया थे, उन्होंने पहले SRT क्लियर किया, एंड जो थर्ड उनका चांस था उन्होंने उसमें SRT भी क्लियर किया, और तो और उन्होंने जो आपका इंटरव्यू होता है वो भी क्लियर कर दिया इंटरव्यू। अब उन्हें मेडिकल की बारी आती है, मेडिकल में उन्हें, जैसा कि बहुत लोगों के साथ होता है, उन्हें ग्रीन कार्ड नहीं मिला। उन्हें जो प्रॉब्लम थी कई जगह दिखाई गई, एंड जो दोबारा में रिपोर्ट करना पड़ता है वो उसमें रिपोर्ट किया, तो उन्होंने पाया कि वो मेडिकली अनफिट हो गए। तो उन्होंने मुझे बताया था कि यदि आप डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली एयरफोर्स, नेवी, NDA, इन सबको ज्वाइन करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ये देखो, किसी डॉक्टर की सलाह लो, या कई जगह पे प्राइवेट डॉक्टर्स आपको मिल जाते हैं जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, मिलिट्री से, एयरफोर्स से, नेवी से, वो डॉक्टर ही होते हैं लेकिन एक्स सर्विस होते हैं, वो आपका टोटली मेडिकल आपका करते हैं, उनसे आप चेक करा सकते हैं। जो मेरा पहला पॉइंट है वो यही है, यदि आप डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराएं। इसके कई फायदे हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो श्योर नहीं होते, वो अंदर ही अंदर समझ रहे होते हैं कि यार मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे हाथों में स्वेटिंग होती है, मैं तेज़ दौड़ नहीं पाता हूँ, मेरा वज़न ज़्यादा है, या मेरी हाइट कम है। हाइट वाला मैटर थोड़ा कम होता है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, यार मुझे सांस लेने में दिक्कत आती है, क्या मेरे अंदर कोई दिक्कत है, मेरी नौकनी है, ऐसा सभी लोग बोलते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग पहले अपना मेडिकल चेकअप करें, आप क्लियर हो जाएंगे, पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे से मन लगा पाएंगे। मैं जानता हूँ यदि आप मेडिकल फिट होंगे फिर आप अच्छे से ध्यान लाएंगे, लेकिन यदि आप मेडिकल फिट नहीं होते हैं तो देखिए कितना फ़ायदा हो जाता है। मान लीजिए आप मेडिकल फिट नहीं हैं तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, हज़ारों सैकड़ों जॉब्स आपका इंतज़ार कर रही हैं। आप क्यों आप टाइम वेस्ट करते हैं,
इस कंपटीशन के ज़माने में टाइम वेस्ट करने की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए पढ़ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए एक हार्ड वर्क करना, लेकिन उसके लिए आपको, मान लीजिए आप भाग रहे हैं, लेकिन यार रास्ता तो क्लियर होना चाहिए ना कम से कम। भागते भागते किसी गड्ढे में गिर गए तो यार पहले रोड तो देख लो यार क्लियर है कि नहीं। जिस पे आपको भागना है वो आप पेथ क्लियर कीजिए। इफ यू वांट टू रन एनी वे देन यू हैव टू ऑब्जर्व दैट रोड इज क्लियर। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना तो आप उस कैंडिडेट से बात कर लेना जिसे मेडिकली अनफिट कर दिया गया है, वो आपको सब कुछ बता देगा। यार ऐसा नहीं है कि सभी लोग बोलते हैं मुझे देश की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है। देश की सेवा तो बहुत भी कुछ काम करके हो सकता है। एक प्रोफेशनल लाइफ जो हम चाहते हैं, वो जुनून पाने के लिए हम डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं। हमारा पैशन है, हम चाहते हैं डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने का। लेकिन यदि हम उसमें सेलेक्ट ना हो पाएं तो क्या ज़िंदगी भर उसके लिए रोते रहें? ज़िंदगी भर बैठ के बस यही सोचते रहें कि यार मौका था हाथ से निकल गया। तो सलाह मानिए, यदि आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या SSR इंडियन नेवी कुछ भी डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना मेडिकल क्लियर कराइए। एंड जो सेकंड पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एयरफोर्स के एयरमैन सिलेक्शन के बारे में। देखिए जैसे कि आप सभी लोगों को पता है एयरमैन सिलेक्शन में क्या होता है, दो ग्रुप दिए जाते हैं, एक टेक्निकल ग्रुप जिसे हम एक्स ग्रुप बोलते हैं, एक नॉन टेक्निकल ग्रुप जिसे हम वाई ग्रुप बोलते हैं, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन क्या इसके सिलेबस पे आपने गौर किया? इसमें टेक्निकल मैथ होता है, इंग्लिश होती है और फिजिक्स होती है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। लेकिन इसमें देखिए रीजनिंग मिलेगी आपको, नॉन टेक्निकल मैथ जिसे अर्थमेटिक बोलते हैं, इंग्लिश, हाँ मानता हूँ ये सेम है, इंग्लिश मिलेगी और GK जो ऑलमोस्ट कई सारे एग्ज़ाम्स में आपको ये दी ही जाती है। अब यदि कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि उसे ना ही अपना मेडिकल चेक कराया है, मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों ने अभी तक मेडिकल चेकअप नहीं कराया होगा, ये भी मुझे यार बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। लेकिन मान लीजिए आप अपने नहीं कराया, अपना अभी आपने अपना मेडिकल फिटनेस टेस्ट नहीं कराया और आप फॉर्म भरने जब भी जाएंगे, आप में से कई लोग क्या करते हैं एक्स ग्रुप का भी भरेंगे प्लस वाई ग्रुप का भी भर देंगे, करते हैं आप ऐसा ही करते हैं, आप में से बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दोनों का भर देंगे। अब देखिए एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दोनों का भरने से नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ना तो आप वाई ग्रुप पर फोकस कर पाएंगे और ना ही आप एक्स ग्रुप पर फोकस कर पाएंगे। बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो दोनों का फॉर्म भरते हैं और किसी एक में क्वालिफाई हो जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दोनों का भरते हैं, दोनों में ही क्लियर हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम। नहीं यकीन आता तो अपने मित्रों से पूछिए, वो भी तो भरते होंगे ना, उनसे पूछिए क्या उन्होंने दोनों का भरा, क्या वो दोनों में पास हो गए, बहुत ही कम होता है। या तो वो एक्स ग्रुप में क्वालिफाई करते हैं या वाई ग्रुप में क्वालिफाई करते हैं। लेकिन मैं यहाँ प्रेफर करना चाहूँगा यदि आपने अपना मेडिकल चेकअप कराया है तो आप एक्स या वाई ग्रुप चॉइस कर सकते हैं, अपना आप जो इच्छा है वो भर सकते हैं, दोनों भी भर सकते हैं यदि आपने मेडिकल फिटनेस टेस्ट अपने करा लिया और आप फिट हैं तो। लेकिन यदि आपने अपना मेडिकल फिटनेस टेस्ट नहीं कराया है तो एक बार एक्स ग्रुप पर नज़र डालिए, ये बेहद ही, मैं जानता हूँ ये वाई ग्रुप से थोड़ा हटके है, ये टेक्निकल जॉब है, इसमें सैलरी भी ज़्यादा मिलती है एंड जो फैसिलिटीज़ हैं वो वाई ग्रुप से ज़्यादा मिलती हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन कई सारे कैंडिडेट्स
ऐसे भी होते हैं जो इसकी तैयारी में लगे रहते हैं, एक्स ग्रुप की तैयारी में लगे रहते हैं, कैसे भी करके सिलेक्शन नहीं पा पाते हैं। फिर उनसे पूछिए यार, कितनी दिक्कत होती है, कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है, उनसे पूछिए। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप बाई ग्रुप की तैयारी करें। अब देखिए, बाई ग्रुप की आप यदि तैयारी करते हैं तो क्या, मान लीजिए आपने करीबन 2 साल बाई ग्रुप की इतनी मेहनत की है कि आपने अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश को आपने बहुत ही ज़्यादा कवर कर लिया है, तो आपको अदर एग्ज़ाम के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वही काम में आ जाएगा। लेकिन यदि आप बात करें एक्स ग्रुप की, तो यदि आपने एक्स ग्रुप में मेहनत की और आप कुछ और एग्ज़ाम की तैयारी करने जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है आप डिमोटिवेट भी हो जाएं, सोचें यार मेरे से नहीं होगा, क्योंकि आपने 2-3 साल इधर मेहनत बहुत ज़्यादा की, अब 2-3 साल आपको मेहनत इधर भी करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जानते ही हैं जितनी भी और जॉब्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये बाई ग्रुप वाला ही सिलेबस दिया जाता है, रीजनिंग, अर्थमेटिक, जीके, इंग्लिश, यही सब तो पूछा ही जाता है, रेलवे, आप जानते हैं सब कुछ, जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं उनमें सब में यही पूछा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप बाई ग्रुप की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। यदि आपका एक्स में इंटरेस्ट है, एक्स की आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी रखते हैं एक्स की तरफ, तो एक्स और बाई दोनों भरें, जिससे कि आप बाई की भी तैयारी करें। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक्स की छोड़ दें, एक्स के आपका इंटरेस्ट और आपने मेडिकल चेकअप करा लिया है तो आप एक्स की धड़ाके से तैयारी करें, बहुत बेहतरीन तैयारी करें, और मैं श्योर देता हूँ, आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और अब जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करते करते आप अदर में भी अपना इंटरेस्ट दिखाएं। जैसे कि आप 12th के बाद एक जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है डिप्लोमा कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं, है ना, BSc कर सकते हैं, BSc यार टफ हो जाती है, मैं प्रेफर करूँगा कि आप डिप्लोमा या ITI करें, क्योंकि यार मैं खुद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहा हूँ केमिकल इंजीनियरिंग से, ये नहीं बता सकता कि कहाँ से कर रहा हूँ, कुछ निजी भी रहना चाहिए ना, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आप ये जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आज मैं आपको बता देता हूँ, और उत्तर प्रदेश के किसी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से मैं केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहा हूँ। तो तीसरा जो पॉइंट था वो आप समझ ही गए होंगे कि डिफेंस की सर्विसेज की तैयारी करते करते आप अदर में भी अपना इंटरेस्ट रखिए, आपकी बहुत समय की बचत होगी, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, बहुत ही कूल लगेंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ आपने जो समय मुझे दिया वो आपका बहुत ही मूल्यवान समय था, इस समय इस वीडियो को देखने की बजाय आप कुछ और भी कर सकते थे, YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं उनको देख सकते थे, लेकिन आपने इस वीडियो को देखा, इससे पता चलता है कि आप अपने करियर को लेकर कितने ज़्यादा कंपल्सिव हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी ये पता चले, वो भी अपनी ज़िंदगी के साथ कोई धोखा ना कर रहे हों, कुछ ऐसा गलत काम ना कर रहे हों जिन्हें उन्हें ठेस पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।